संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जैविक खेती और उसके महत्व के बारे में लगाया गया है। ये जो कार्यक्रम है ये हमें जैविक खेती और उसका जो मूल्य है, जो जैविक खेती और उसका क्या महत्व है आज के समय में, एक ऐसा समय जब हम हमेशा मानव कृत्रिम कोई भी चीज का इस्तेमाल करके हमारी जो जैविक संरचना है उसे खराब कर रहे हैं, उससे उसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन कराना हमें ना केवल इस चीज से मार्गदर्शित करेगा कि आज के भी समय में जैविक खेती जिसका हम आर्थिक अगर हम लोग इसका अर्थ निकालें तो जीवन के द्वारा किया गया एक नए जीवन का संचार जो जैविक खेती का मूल सिद्धांत बनता है उस पर हम लोग इस चीज को लेके हम अपने मुख्य अतिथि और हमारी प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम से इस चीज से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने सभी मुख्य अतिथि और अपने प्राचार्य मैम को स्टेज पे आमंत्रित करूंगा कि वे लोग कृपया यहाँ पर आए। मुख्य अतिथि और अन्य सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। ओम शुभम करो कि कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमस्ते। अनुरोध करती हूँ कि सभी देवी गान के लिए खड़े हो विद्यालय का प्रांगण है जिनमें सितारे सितारे वंदन है। पधारे गए अतिथियों को हमारा सत सत अभिनंदन। वनस्पति विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जो कि जैविक खेती और उसके महत्व के बारे में आयोजित किया गया है, इस चीज का मन संचालन की भूमिका में मैं राहुल और मैं काव्यांजलि जोशी मन संचालन की भूमिका को निभाएंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने अतिथियों को वापस से स्वागत करता हूं। और जैसे जैविक खेती हम लोग कहते हैं कि जो जैविक खेती वो जीवन से संचालित खेती होती है जो जीवन को एक नया संचार दे रही होती है, ठीक उसी तरह हंसराज महाविद्यालय भी अगर एक बगीचे की तरह है तो उस बगीचे में हम सभी बच्चे एक फूल की तरह हैं। जैसे एक फूल जितने भी तरह के होते हैं वो फूल किस तरह से निखर रहे हैं, उनकी क्या चमक है, वो निर्भर करता है कि जो माली है जो उनका देखभाल करने वाला है वो उनको सही मात्रा में खाद दे रहा है, पानी दे रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरह हम हंसराज बगिया के हम सभी छात्र फूल की तरह है, उन सभी पौधों की तरह है। और हमारा देखभाल हमारी मैम, हमारी प्राचार्य मैम, हमारी जो मार्गदर्शन, हमारी जो गार्जियन है प्रोफेसर डॉक्टर रमा मैम वो करती हैं, उनके सफल नेतृत्व में होता है। मैं उनका भी बड़े सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। अब मैं रमा मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो हमें हमारे मुख्य अतिथियों को मोमेंटो देके उनका सम्मान करें।
जैविक खेती। जैविक खेती एक प्रकार की कृषि है जो उर्वरकों और संश्लेषणीय की बजाय प्राकृतिक उपायों का उपयोग करती है। यह पौधों, जीवों, मिट्टी और जल संसाधित करने में भी मदद करती है और पर्यावरण को बचाने में भी सहायक है। जैविक खेती से उत्पन्न कृषि उत्पादों से पोषण संतुलन में भी सुधार होता है व प्रदूषण की मात्रा कम होती है। हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रमुख महाविद्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। यह महाविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक माना जाता है और छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योग्यता और उनको दृढ़ निश्चय तैयार करने के लिए अद्यतन और आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। मैं उसी हंसराज कॉलेज की प्राचार्य मैम डॉक्टर रमा जिनका मार्गदर्शन कॉलेज को हमेशा मिलता है, हम सभी छात्रों को मिलता है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा ताकि वो स्वागत भाषण में हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर रमा मैम। नमस्ते। वनस्पति विज्ञान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सौभाग्यशाली हैं हंसराज कॉलेज के हम सभी सदस्य कि आज हमारे बीच में श्री आर के सिन्हा जी आए हुए। सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इस सभागार में हम जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं वे ना केवल आयु में सबसे अधिक वरिष्ठ हैं बल्कि अनुभव में भी सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं। सर, आपने इस देश के उतार चढ़ाव देखे, उन उतार चढ़ावों के बीच में कैसे हम अपनों से दूर होते चले गए और कैसे फिर से हमें अपनों के बीच में आने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। मुझे लगता है कि हंसराज कॉलेज के युवा विद्यार्थी जब आपको सुनेंगे तो इनके सामने कुछ स्वप्न पैदा होंगे और ये कहेंगे कि हाँ, जीवन जिया जाए तो आर के सिन्हा जी की तरह जिया जाए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमने देखा कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ लोग दिन रात तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हुए किस तरह से जिस समय अपने घर में सो रहे होते हैं वो कहते हैं सीमाओं पर खड़े होके कि जब तक हम हैं तब तक आप आराम से घर पे सो सकते हो, जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं सदस्यों के बीच में आज आदरणीय श्रद्धे हम सब के प्रेरक चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका हंसराज कॉलेज में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके साथ सिन्हा जी, चतुर्वेदी जी, आपके साथ जितने भी सदस्य आए हुए हैं आज मैं देख रही हूँ उनमें से कुछ सदस्य पहली बार आए हैं, मैं आप सभी का हंसराज कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ क्योंकि आज आपके आने से हंसराज कॉलेज समृद्ध हुआ। वनस्पति विज्ञान से डॉक्टर पूजा, डॉक्टर साहिल, प्राध्यापक गण, मैं देख रही हूँ दूसरे विषय के भी प्राध्यापक डॉक्टर विजय मिश्र बैठे हुए हैं। आज सिन्हा जी हमारे साथ साथ आप भी सौभाग्यशाली हुए हंसराज कॉलेज में आकर। 75 वर्षों के भारत में, भारत 75 वर्षों की आजादी पा चुका है, हंसराज कॉलेज 75 वर्ष का हो चुका है। इस 75 वर्षीय भारत में हंसराज कॉलेज में जिस पीढ़ी को आप सुबह शाम हाय और बाय करते हुए सुनते हैं, हेलो करते हुए सुनते हैं, उस कॉलेज का वनस्पति विज्ञान अपने देश की भाषा में कार्यक्रम करके संकेत देता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है और इसके लिए मैं राहुल और काव्यांजलि दोनों को बधाई देती हूँ। कोशिश तो करो, हम अपनी भाषा में भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। भाषा केवल भाषा नहीं है, भाषा हमारी अस्मिता है, भाषा हमारी पहचान है, भाषा हमारे जीवन की शैली है, भाषा इस देश का अस्तित्व है और वो हमारे अपनी भाषाओं के द्वारा ही संभव है। खैर, क्योंकि आज आपका विषय जैविक खेती पर है और जैविक खेती पर आज हम बात करेंगे, इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी। सिन्हा जी, चतुर्वेदी जी, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। भारत कहने को गुलाम था लेकिन हवा हमारी अपनी थी, हमें हवा शुद्ध मिल जाती थी, ग्रामीण परिवेश में आप रहते थे, खुले वातावरण में रहते थे, खुला चिंतन होता था, खुली खेती होती थी, खुली बातचीत होती थी। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। आपसे कम थोड़ी सी मैं सौभाग्यशाली हुई,
कि मैंने फिर भी गांव की एक ग्रामीण शैली कैसी होती है मैंने सीखी। मेरी नानी दादी ने एक समृद्ध रसोई के द्वारा मुझे जीवन में ये सिखाया कि क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, किस समय क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते मुझे लगता है सौभाग्यशाली होना खत्म होता चला गया, क्योंकि ये जो पीढ़ी अब हमारे सामने बैठी है, इस पीढ़ी का अपना ही खान पान है। इस पीढ़ी के, मुझे लगता है इस पीढ़ी के लिए एक ट्रेजेडी भी है, बहुत बड़ी त्रासदी भी है कि ना इनको शुद्ध हवा मिल पा रही है, हवा शुद्ध मिल ही नहीं पा रही है, पीने को पानी नहीं है, घर के पानी की अपेक्षा बंद बोतलों की बिस्लेरी के पानी पर इनका विश्वास है। हम जिस खेती से जो अनाज आता है, सिन्हा जी आप मेरे इस बात से मुझे लगता है अवश्य सहमत होंगे, हम तो भागते दौड़ते हुए 6-7 रोटियां तो हम ऐसे ही खा लेते थे, हम ऐसे 6-7 चपाती खा लिया करते थे, और हमें चपाती खाने के लिए 3-4 कोई सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें हम तो नमक लगाते थे और नमक लगाकर खा लेते थे। उसके बावजूद नानी दादी शुद्ध दूध पिलाती थी, शुद्ध घी खिलाती थी। आजकल के हमारे बच्चे शुद्ध घी शुद्ध दूध हजम ही नहीं कर सकते, इसलिए इसका काम करने वालों ने इसमें मिलावट करने शुरू कर दी। खेती के नाम पर हर जो भी आपकी जितनी भी फसलें हो रही हैं सब में केमिकल्स हैं। हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ लौकी भी इतनी बड़ी हो सकती। हमारे यहाँ तो कभी ऐसे छोटी छोटी कहते थे छोटी छोटी लौकी आ रही है, छोटी छोटी भिंडी आ रही है, अरे वहां से पुदीना लेकर आओ तोड़ कर आओ देखो उसकी क्या खुशबू होती है। इस पीढ़ी को हमने इससे वंचित किया है, ये जो केमिकल वाली दुनिया आ गई, और उसी का कारण क्या हुआ, हमारी सोच में भी केमिकल्स आ गए, हम जी और जीने दो के सिद्धांत से दूर होते चले गए। लेकिन मैं वनस्पति विज्ञान को पुनः बधाई देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, इस विषय पर हम आगे और काम करें, हमारे बच्चे चिंतन करें, चिंतन करते हुए जो अच्छे रास्ते निकल सकते हैं, हो सकता है हंसराज कॉलेज से कुछ नई रिसर्च हमारे सामने आएगी, वो नई रिसर्च हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्ते। मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम को धन्यवाद देती हूँ। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रमुख महाविद्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। यह कॉलेज भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक माना जाता है और छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योग्यता व योग्यता तैयार नौकरी तैयार करने के लिए अध्ययनता और आधुनिकता आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। हंसराज कॉलेज एक अग्रणी शैक्षिक संस्थान है जो छात्रों को जैविक खेती और पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करता है। कॉलेज ने जैविक खेती के महत्व को समझाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया है जो छात्रों को इस क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है। हंसराज कॉलेज के योगदान से जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जैविक खेती के उदाहरण स्वरूप महात्मा हंसराज महाविद्यालय के प्रांगण में बना महात्मा हंसराज मलबड़ी गार्डन इस बात का उदाहरण देता है कि जैविक खेती के लिए हमारा महाविद्यालय कितना सजग है और इस पे किस तरीके से काम कर रहा है, और वनस्पति विभाग लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर बच्चों को इस तरह का मार्गदर्शन दे रहा है कि जिस तरह एक समय पर जब जैविक खेती हुआ करती थी और आज जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब हमारा महाविद्यालय इस चीज़ को पथ पे सच में ला रहा है और अपने छात्रों के बीच ये संदेश दे रहा है। अब मैं परम सम्माननीय श्री लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, पद्म विभूषण सेवा मंडल PSM, अटी विभूषण सेवा मंडल AVSM और सेवा मेडल SM से सम्मानित वे सेना के एक सैन्य अधिकारी रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं दी हैं और उन्हें उनके योगदान के लिए ऊंचे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वे एक अत्यंत अनुभवी और प्रशंसनीय सेना नायक रहे हैं जिन्होंने अपने सेवा के दौरान देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है। पूरा देश आप पे गौरव करता है और हम सभी इस बात से गौरवान्वित हैं कि आज हमें हम सभी को आपको सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आपको मंच पे आमंत्रित करूंगा कि आप हम सभी छात्रों को अपने शब्दों के द्वारा संबोधित करें। आदरणीय सर, थैंक यू राहुल एंड कवेंजली।
प्रोफेसर रमा ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ दिस फेमस हंसराज कॉलेज, माननीय सिन्हा साहब, एक बहुत ही अनुभवी सांसद और एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी जो हमारे साथ हैं आज, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी सिटिंग इन फ्रंट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर चिल्ड्रन, द इग्नाइटेड माइंड विथ फुल ऑफ जोश एंड दीज स्पार्कलिंग आईज, आप हमारे भारत का भविष्य हैं और आज इस प्रांगण में आके इस बहुत ही पुराने 1948 में 75वीं साल जो आप लोग इस कॉलेज की मना रहे हैं, इस वर्ष में एक बहुत ही अद्वितीय अभिभूति हुई मुझे। और सबसे ज्यादा खुशी हुई जब मैंने यहाँ देखा कि भारतीय परंपराओं के तहत हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिस तरह से हमने दीप प्रज्वलन किया और बेटा राहुल और काव्यांजलि जिस तरह से हमारी मातृभाषा में बोलकर जिस तरह से उन्होंने पूरा ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, एक अलग विश्वास पैदा करता है कि ये एक ऐसा भारत उत्पन्न हो रहा है जिसे अपने आप पे गर्व है, अपने मिट्टी पर गर्व है, अपनी भाषा अपने संस्कारों में गर्व है और ये विश्व में भारत का एक अलग ही नाम पैदा करेंगे। आज बच्चों मैं सैनिक हूं और अधिकतर मेरा जो जीवन काल है सैनिक स्कूल से लगा लिया जाए तो ऑलमोस्ट 49 इयर्स मैंने वर्दी में गुजारा है, तो मुझसे एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए कहा गया है जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जैसा आपकी प्रधानाचार्य महोदया ने अभी बात की, उन सब को मैंने अनुभव किया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज का और उस समय का जो बदलाव है उसके बारे में जरूर बता सकता हूं। जैविक खेती हमारी भारत की परंपरा रही है सदैव से, जब भी भारत में इस तरफ लोगों ने, क्योंकि बेसिकली हम लोग कृषि प्रधान देश थे और उसमें हर आदमी अगर आप 2-3 जनरेशन ऊपर जाएं तो कृषि से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य कर रहा था, तो ऐसे कृषि प्रधान देश में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने जन्म लिया और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कुछ ऐसा समय आया भारत में, मैं समझता हूं ये बाय डिजाइन था, जब अंग्रेज और मुगल्स के अधीन हम लोग रहे और उस दौरान हमको हमारी जो नींव थी, हमारी जो रूट्स थी, जड़ें थी, उससे दूर कर दिया गया और उसकी वजह से मेरे बचपन में आप विश्वास नहीं करोगे कि फूड सिक्योरिटी में हम पूरी तरह से सामर्थ्य नहीं थे। 1964 जब 62 की लड़ाई हो चुकी थी चाइना की और उसके बाद हम लोग अभी भी उभर रहे थे, तब अन्न की कमी थी भारत में और PL-480 हमको अमेरिका से मंगाना पड़ा और एक ये ऐसा राष्ट्र है कि ये PL-480 एक सड़ा हुआ गेहूं था जो कि भारत को दिया और आप सबके मेरे भारतवासियों ने वो गेहूं खाया क्योंकि देश में उस वक्त अन्न सफिशिएंट उसमें नहीं था। और ये सब एक ऐसे देश के लिए जो कि कृषि प्रधान देश था, उस देश में ये होना एक बहुत
असंभव सी चीज थी। उसके बाद आप सब जानते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट और भारत के परिश्रम और बल और एक डिटर्मिनेशन, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, सिंसेरिटी से भारत ने अपने आप को फूड सिक्योरिटी में बिल्कुल 100%, बल्कि आज के दिन जब आपने कोविड के टाइम में देखा, भारत ने कुछ देशों को अन्न दिया। और ये भारत की महानता है कि जब भारत ने अन्न दिया तो वही अन्न दिया जो कि हमारे देशवासी खाते थे, वो सड़ा हुआ अन्न नहीं था। भारत ने जब वैक्सीन दी तो वही वैक्सीन दी जो हमारे पूरे देशवासियों को लगी। ये भारत की महानता है। तो ये चीजें जब हम देखते हैं अपने भारत के बारे में और आप सबको जब मैं देखता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश अब यश और कीर्ति की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाला है, क्योंकि भारत इज ऑन द मूव, इट्स अ न्यू इमर्जिंग भारत जिसमें कॉन्फिडेंस है, किसी भी कार्य को पूरी तरह से हासिल करने की उसमें ताकत है और अपने ज्ञान और विजडम से विश्व में एक अलग पहचान बनाने की उसकी एक पूरी तरह से शक्ति है, पूरी तरह से वो कामयाब है। जब आप जैविक खेती की बात करते हैं, हमने बहुत गलतियां की हैं, बेसिकली आज से फ्रॉम 70s से लेकर टूवर्स 2010, ऑलमोस्ट 40 इयर्स हमने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स सब यूज किए और उससे जरूर ऑफ कोर्स अन्न का उत्पादन तो जरूर बढ़ा, लेकिन बहुत हेल्थ पे असर पड़ा, जमीन पे असर पड़ा। आप विश्वास नहीं करोगे, पंजाब एक ऐसा प्रदेश था जो कि अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा अन्न प्रोड्यूस करता था छोटा होने के बावजूद। आज पंजाब का अन्न कोई खाने को तैयार नहीं है, वो सब सर्वती गेहूं खाना चाहते हैं मध्य प्रदेश का। क्या रीजन है? पंजाब में फिरोजपुर के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। तो इस तरह से इन पेस्टिसाइड्स और ये जो हमने मैन्योर्स केमिकल्स यूज किए हैं उसका ये असर है। अगर हमने कंपोस्ट पे ध्यान दिया होता और भारतीय जीवन पद्धत जिस तरह से हम लोग अपने खेतों में खाद डालते हैं, जिस तरह से उसकी रखवाली करते हैं, जिस तरह से गिराई जो उसकी बुआई करते हैं, वो सब अगर हमने पद्धत फॉलो की होती, हो सकता है थोड़ा कम पैदावार होती लेकिन वो पौष्टिक होती, वो हमारे मस्तिष्क के लिए, ज्ञान के लिए हमको ताकत देती और हमारी स्वास्थ्य में बहुत अच्छी तरह से मदद करती। आज के दिन हम वही हासिल करना चाहते हैं। अगर हम ये कंपोस्ट, बेसिकली आपको मैं बताऊं, नागपुर के पास देवलापार एक जगह है, काफी लोगों ने सुना होगा, वहां पे एक डेयरी है, सुनील मानसिंह का जी उस डेयरी का देखभाल करते हैं। करीब 1.5 साल पहले कोविड के दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और मैंने उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि 715 गायें उनके उस गौशाला में थी और उसमें से केवल 15 गायें थी जो दूध देती थी। 700 गायें बिल्कुल दूध वगैरह नहीं देती थी, लेकिन उन सब की वो देखभाल कर रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की जो बात है वह यह है कि वो किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। उन्हीं गांव के जो गौमूत्र और गोबर बाकी जो आता था उससे जो कमाई होती थी
वो पूरी 715 गायों की देखभाल करते थे और उस गौशाला का संचालन करते थे। तो ये जो चीज है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हम को लालच नहीं होता, हमको पूरे विश्व की एक कहूं स्वास्थ्य की परवाह होती है, अपने नेक्स्ट जनरेशन की परवाह होती है, तो हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारी जमीन को खराब करे, हमारी सॉइल को खराब करे, हमारे पानी को बर्बाद करे, हमारे पर्यावरण को बर्बाद करे, हमारे एनिमल्स को बर्बाद करे, हमारे पक्षियों को बर्बाद करे, हमारे फूलों को बर्बाद करे। तो ये सब चीजें जब आप सोचते हैं तो आप जैविक खेती की तरफ जाएंगे। जो प्रोफेसर रमा कह रही थी, मुझे भी अपना बचपन याद आया। हमारे घर में हमेशा एक गाय और एक भैंस तकरीबन सदैव रही थी। अब तो 2001 से नहीं है, लेकिन 2001 तक। और दो तीन चीजें जो एक टीचिंग किस तरह से बच्चों को उस गाय के लिए सबसे पहली रोटी निकलती थी, उस गाय को खिलाई जाती थी। और ये जो चीज है, ये एक्चुअली ये नहीं है कि हम एक गाय को खिला रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीचिंग है, संदेश है बच्चों के लिए कि बेटा जो भी आपके पास है शेयर करो दूसरे से। दैट इज द टीचिंग दैट इट गिव्स, कि जितना भी है, अगर दो रोटी है तो एक आपने दोस्त को खिलाओ, एक अपने आप खाओ। एंड वो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा मूल मंत्र है। हम हमेशा विश्वास करते हैं, हम ये नहीं कि हम उसको मार देंगे, हम कभी नहीं। अभी भी आपने देखा ओम शांति शांति, ये हम सब जगह कि सबका कल्याण हो, सब जगह शांति हो, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, ये भारत की एक वे ऑफ लिविंग है। और ये कहां से आई, हमारे को नेचर से, प्रकृति से, हमारे को हमारे बुजुर्गों ने दी है। किस तरह से, आपका खुद का कॉलेज देख लीजिए 1948 में, जब लिटरेसी का रेट बहुत कम था, हर आदमी उस वक्त परेशान था। हमारा विभाजन हो चुका था 1947 में, हमारा एक पार्ट हमसे अलग कर दिया गया था और सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त ऐसे महान पुरुष जो कि दूरदर्शी सोच रखते थे, उन्होंने एक इस कॉलेज की स्थापना यहां पर की। किस लिए, कि अगली जनरेशन, हमारी जो पीढ़ियां आए आगे, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, काबिल बने और विश्व में अपना नाम करें, भारत का नाम करें। दैट इज द सोच, द भारत की जो बेसिक सोच है वो दूसरों के लिए है। केयर, दूसरे के लिए परवाह करना, शेयर, दूसरे के साथ मिल बांट के खाना, दैट इज वॉट इंपॉर्टेंट। आज भी जो प्रोफेसर रमा ने कहा कि हमने असली दूध असली घी खाया है, बिल्कुल सही है। मुझे दूध बचपन में बहुत पसंद था, क्योंकि वो हड़िया में उसमें उबाला जाता था, कंडों की उस पर बुलाया था, एक अलग ही महक होती थी। अब मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, अब नहीं पीता, लेकिन उस जमाने का वो दूध मुझे अभी भी याद है। मेरी चाची, मेरी माँ उसको बनाती थी, और कैन यू इमेजिन कि वो जब उसको दूध से दही बना के सुबह उसमें मठा बनाया जाता था, असली बटर मक्खन निकलता था, उस मक्खन का अलग स्वाद था, और जो मठा निकलता था छाछ, वो बेचा नहीं जाता था। आस पड़ोस में जो संबंधी थे, आसपास के रहने वाले, उनसे पूछा जाता कि आपको जरूरत है, तो वो उनके यहां पहुंचा दिया जाता था। दैट इज इंडियन वे ऑफ लिविंग, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति विश्व में हमने पहुंचानी है। जैविक शक्ति जब हम लेते हैं तो कुछ फैक्ट्स मैंने नोट किए हैं, ये दिस आर फ्रॉम द थ्योरेटिकल। आप सब बॉटनी के अधिकतर साइंस स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी। 45% एनर्जी कम खर्च होती है
20% वाटर पानी की कम लागत आती है और कार्बन का जो एमिशन होता है वो 40% कम होता है। सो देखिए पर्यावरण के ऊपर कितना असर पड़ता है इसका। सब लोग सुखी होंगे क्योंकि कार्बन एमिशन का में हम नेट जीरो 2070 का आज हम लोग ने प्रॉमिस किया हुआ है, लेकिन भारत में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये युवा बेटे बेटी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये इंश्योर करेंगे कि भारत कम से कम 10 साल पहले नेट जीरो पे पहुंच जाएगा। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, भारत की शक्ति महान है। फ्यूचर के लिए हमको अपने गांव का जो रहन सहन था वो शहरों में भी अपनाना पड़ेगा। हमने जो तालाब बंद कर दिए, तालाबों में मिट्टी और वेस्टेज डाल के वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, हाई राइज बिल्डिंग बना दी, तालाबों की जरूरत है, वहां पे मछलियां हो, वहां पे और भी, ये सब एक बैलेंस बनाने के लिए नेचर में प्रकृति में बहुत जरूरी चीजें हैं। पक्षी कोयल गायब हो गई, हम लोग कोयल की आवाज अर्ली मॉर्निंग सुनते थे, स्पैरो गायब हो गई, नॉर्थ ईस्ट में डॉग्स आपको नजर नहीं आते। तो ये सब चीजें जो हैं हमने इंश्योर करना है कि हर पक्षी का, हर जानवर का, हर मनुष्य का अलग अलग रोल है, वो सबको आपस में किस तरह से तालमेल बना के जीवन बिताना है, वो सब आपस में साथ मिलके सबके लिए कुछ ना कुछ इस जीवन में है। जो महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, देयर इज नॉट इनफ टू मीट द ग्रीड। तो वो चीज संतोष, संतोष बहुत बड़ी चीज है। वो जो पुरानी दोहा आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा, गजधन गौधन बासधन और रतन धन खान, जब आए संतोधन सब धन दूर समान। सो वो चीज है, संतोष होना चाहिए। ग्रीड से हमने जितनी जल्दी हम उस पर निवारण पालें वो अच्छा है, हमेशा आप लोग अच्छा करेंगे। जब आप अच्छी ग्रास छोड़ते हैं, तालाबों को बसाते हैं, तो जो हमारी गायें हैं, गौ माता है, हमारे बाकी पक्षी हैं, भैंस है, अधर है, उनको ग्रेजिंग के लिए एडिक्वेट, पहाड़ों में आज भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, आपको लद्दाख में मिल जाएंगे ग्रेजिंग ग्राउंड, आपको तवांग के इलाके में तमाम ग्रेजिंग ग्राउंड वहां पे भी मिल जाएंगे। वो बेसिकली ग्रेजिंग के लिए, वह भेड़ वगैरह ज्यादा होते हैं उधर, तो उनके लिए अवेलेबल है, नेचर ने बनाए। तो ये चीजें हमको नेचर के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, नेचर को नेचुरली रहना चाहिए, ना कि उसमें हम इंटरफेयर करें बाय आर्टिफिशियल मींस। अपनी जो मस्तिष्क है, ज्ञान है, विजडम है, उसका आप टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एरोडायनेमिक्स में, सब जगह इस्तेमाल करिए खूब, एंड यू शुड गेन दैट मच नॉलेज दैट यू कैन डिबेट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट व्हेन इट कम्स टू नेचर, बी विद द नेचर, डू नॉट, अपनी टेक्नोलॉजी का वहां पे इस्तेमाल मत करिए, वो जो पुराना है वही सबसे बेस्ट है। आधुनिकता केवल माइंड की होती है, आधुनिकता नेचर से, और बाकी व्हेन इट कम्स टू परंपराएं, दैट इज योर नेचर, परंपराएं दे आर योर पहचान, वो आपकी अपनी है, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपके रीत रिवाज, आपके तीज त्योहार, आपका खान पान, ये सब आपके अपने हैं। टेक प्राइड इन देम, एट ए नो स्टेज लीव देम। सो दैट इज व्हाट आई कैन से, यू शुड बी इवन इन लंदन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, सेलिब्रेट योर दिवाली विद गस्टो। अगर आपको कोई आपसे मिलने ले आता है, आप अगर दाल बाटी राजस्थान से हैं, दाल बाटी खाती हैं, तो उसको भी दाल बाटी दीजिए, ही विल अप्रिशिएट इट। अगर हमारा नेशनल एंथम वहां पे लंदन में रेड लंदन आई के पास अगर बजा बजते हुए आप सुन लेते, 2 मिनट 52 सेकंड के लिए आप सावधान में खड़े हो जाइए, यू विल बी रेस्पेक्टेड, आपका सम्मान होगा। दैट इज वॉट
भारत की सबसे बड़ी शक्ति वही है। जब आप जैविक खाद को तो सॉइल में जो शक्ति होती है वो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे पंजाब में हो गई है, बंजर हुई जा रही है वो जमीन। आप अगर जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो सॉइल की मजबूरी होगी, आप मजबूत होगी। नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो खाद आप डालेंगे, नेक्स्ट जो सब्जियां आप उसमें उगाएंगे अच्छी होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, सब चीजें। ये दीज आर व्हाट जैविक खाद की जरूरी है। बट सिंस आई एम हियर एंड आई एम ए मिलिट्री मैन, आई मस्ट टॉक अबाउट 3-4 मोर थिंग्स बिकॉज सच ए गैदरिंग ऑफ यंग माइंड आई रेयरली गेट। नेशन फर्स्ट, देयर इज नथिंग टू डू विद दिस। नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, राष्ट्र प्रथम सदैव एवं सर्वदा, दिस शुड बी द मूल मंत्र ऑफ ईच वन ऑफ यू। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो सारे हित सेकेंडरी हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जब राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो सारे प्रेम सेकेंडरी, राष्ट्र प्रेम। जब सम्मान की बात आती है तो राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि है, सब सेकेंडरी। जब गौरव की बात आती है तो राष्ट्र गौरव सबसे बड़ा, सब सेकेंडरी है बाकी। जब सेवा की बात आती है तो राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, और भक्ति की बात आती है तो राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है, बाकी सब सेकेंडरी है। आई रिकॉल ए पोएम विच आई थिंक 5th or 6th क्लास, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। दैट इज व्हाट इट इज, लव योर कंट्री, गिव एवरीथिंग टू द नेशन, एंड दैट इज ऑलवेज नंबर वन। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग लीडर्स, नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग लीडर्स हु कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, कठिन डिसीजन, मजबूत डिसीजन हो सकते। Balakot was not an easy decision. I am not a political man, but I appreciate that decision. Here was the Prime Minister of our country who had full faith in the armed forces and who could take a decision in which 20 aircrafts of ours went 70 kilometers inside Pakistan, destroyed the terrorist camp at Balakot and came back unscathed. That is what That is what is needed. It is something like what Entebbe raid. Some of you, most of you, none of you were born. 1976 in Israel and Uganda. They kidnapped, they hijacked an aircraft in which 102 persons were there. They took it to Uganda, wanted number of their terrorists released from the Israeli prisons. 5-6 days the negotiations continued. They were about to take a decision to release those terrorists. But then the Raksha Mantri of Israel said, no, nothing doing, we will not do it. If we do it today, tomorrow there will be some other demand, day after something else, and we will be considered a weak nation. And they launched a commando raid led by the present Prime Minister Netanyahu's elder brother, Lieutenant Colonel Netanyahu. And when you take a strong decision, the results were astounding. They got all 102 of those hijacked passengers back to Israel, destroyed 65% of Ugandan Air Force. And this is what happens. And you send a strong message. The same thing today also will happen. What is happening in Gaza, Israel will not tolerate such inhuman treatment to their people. No one will take it. ये बर्बर क्रूरता है जो उन्होंने दिखाई है, और उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। That is what we need to do. Stable government. This is very important. We have suffered because of coalition governments. Our development stopped. Number of things the government compromised because of different views of different parties. Elect
whichever government you want to do, but give it the teeth to take strong decisions, give it the teeth to work for the nation, give it the teeth to work for the development of each and every child of this nation. We must work for the next generation. We cannot. भारत में बहुत resources हैं, भारत सोने की चिड़िया थी और बनेगी दोबारा. आज भारत almost 3.7 trillion dollars की economy है. Day is not far out. मेरे इसमें बिल्कुल दिमाग में कोई सुबह नहीं है, शक नहीं है कि 2047 will be a developed country. Anything around 22 trillion economy with a per capita income of 21-22,000 is a reality, will happen during my lifetime. So you can imagine what will you produce. All the very best. I am so happy to be with you all. I talked on a subject which I am not an expert, but I talked only with my experience and what I had known. I only exalt each one of you. Utho dhara ke veer saputon. Saput is a common gender here. Meri betiyan bhi shamil hain. Utho dhara ke veer saputon. Punah naya nirman karo. Bharat ke jan jan mein punah nav spurt nav pran bharo. All the very best. Jai Hind, Jai Bharat. मैं लेफ्टिनेंट जनरल डी.के. चतुर्वेदी जी का धन्यवाद चंद पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ. बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज, कि बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज. सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, कि सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ सार्थक होता लक्ष्य. आरके सिन्हा राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिया और राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर बहस और विचार विमर्श किया. उन्हें राज्यसभा की संसद के रूप में उपस्थित रहते हुए देश के विकास और समाज के लिए योगदान देने का मौका मिला और आज भी उनके कार्य आम जनमानस में सर्वविदित है. अब मैं आरके सिन्हा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने शब्दों से हम सभी को संबोधित करें. आरके सिन्हा जी. हंसराज कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय रमा बहन, आज के विशिष्ट अतिथि जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी, सभा कक्ष में उपस्थित शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्रिय बेटियों और बेटे, यू ऑल आर लाइक माय ओन sons and daughters, rather grandsons and daughters. आज जो विषय दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि विषय से जुड़ी हुई ही कुछ बातें रखूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच तो जनरल साहब बहुत बढ़िया दे चुके हैं और आप लोगों में ऊर्जा भर चुके हैं. ये जैविक कृषि है क्या? ये अंग्रेजों ने नए शब्दों का निर्माण कर दिया, इससे हम लोग भ्रमित ना हों. कृषि वास्तव में जैविक कृषि ही है और कुछ नहीं. जो जैविक कृषि का आज नाम दिया जा रहा है, वही पारंपरिक और सनातन कृषि पद्धति है. ये जो रासायनिक कृषि आया अभी, हम लोगों ने तो ट्रांजिशन पीरियड भी देखा है,
जब पूर्णतः पारंपरिक कृषि होती थी और धीरे धीरे रासायनिक कृषि आने लगी। ये अंग्रेज जो हैं बहुत ही शरारती तत्व हैं। इनसे ज्यादा क्रूकेड कोई नहीं हो सकता। क्रूकेड इज द राइट वर्ड। हर चीज में उन्होंने अपना एजेंडा ऐसा बनाया जिससे कि वो अगर देश को छोड़ के जा रहे हैं तब भी वो देश को बर्बाद करने में लगे रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो लाखों करोड़ों रुपए या डॉलर्स या पाउंड्स जो कह लो, इसके लिए इन्होंने पोटाश और नाइट्रोजन और यूरिया और हर तरह के केमिकल इन्होंने इकट्ठे करके रखे थे। वो तो खैर बनाओ कि हिरोशिमा नागासाकी का भी उसके बाद जो है युद्ध बंद करना पड़ा, नहीं तो न जाने कितने सालों ये इस्तेमाल करते रहते उसका। तो लाखों करोड़ के बम बारूद बनाने के सामान बच गए इनके पास, उनको किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसा तो फंसा हुआ है, इनको पैसा निकालना है उसमें से। पैसा निकालना इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इनके लिए जीवन महत्वपूर्ण नहीं। तो इन्होंने यूरिया और पोटाश का इजाद किया। इजाद क्या करना था, थोड़ा सा केमिकल फॉर्मुलेशन तैयार करने थे। और ऐसे ऐसे देशों में जहां पर देश के शीर्षस्थ नेताओं को खेती की समझ नहीं थी, वहां इन्होंने पकड़ा और समझा दिया। हमारे यहां दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे जमीन को, खेती देखी थी, की थी उन्होंने। और फिर ये अधिक अन्न उपजाओ और तरह तरह के स्लोगन देके इशू। अब आज की जो स्थिति हो गई है, उसमें हमारे लिए कोई उपाय बचा ही नहीं है कि हम वापस जैविक कृषि पे ना जाएं। एक उदाहरण आपको देता हूं। यदि तत्काल पंजाब और हरियाणा के कृषि पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन न किया गया तो अगले 20 वर्षों में, 20 मैक्सिमम, हो सकता है 15 से 20 वर्षों में पंजाब हरियाणा रेगिस्तान बन जाएगा, जैसलमेर बन जाएगा, धूप रेत के पहाड़ दिखेंगे बस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है इसका, क्योंकि धरती में आप जो कुछ भी अन्न उगाने के लिए डालते हैं उसमें पैदावार बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण को बचाना और जमीन को बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो 10-20% अनाज बढ़ा के कर क्या लेंगे आप खुद खा लेंगे,
आप अपने बच्चों के और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की चिंता तो कर ही नहीं रहे। अभी जो रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, वो कहते क्या हैं कि अगर किसी खाद का बल्क डेंसिटी अगर 1.5% है तो चलेगा। इसका मतलब यदि आपने सौ किलो खाद डाला तो 1.5 किलो अगर इस्तेमाल नहीं भी हुआ तो चलेगा, वो एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली। अगर हम 3 फसल करते हैं तो 4.5% हो गया, और 5% हो गया तो 20% में वो शून्य हो गया, यानी 20% के पास बाद वो जैसलमेर बनना ही है, उसको कोई उपाय ही नहीं है। तो हम अगर बल्क डेंसिटी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम पैदावार भी बढ़ाएं लेकिन ऐसे विधि से बढ़ाएं जिससे कि हमें कोई नुकसान न हो। तो आपको पारंपरिक जो स्रोत हैं वही लेने पड़े, उसी का उपयोग करना पड़ेगा, और पारंपरिक स्रोत क्या है, गौ पर आधारित कृषि जब होगी तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज। जो देसी गाय जो है, जो भारत की मूल गाय है, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं, ये इस मानचित्र को देखेंगे आप तो बिल्कुल बाबिलोन से बोरोबुदुर तक ही जो भाग है, यानी इराक से लेकर इंडोनेशिया तक आप समझ लें, वही इस प्रकार की देसी गाय मिलती है। इनका जो गोबर है और गौमूत्र है, इसमें 5,100 से ज्यादा आपको माइक्रोब्स होते हैं, और ये सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हेल्पफुल है कृषि में, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे उनमें ये गुण है कि वो अगर आप खेत में या पौधे में डालेंगे तो नाइट्रोजन को वो वातावरण से खींचेंगे पौधे में, पोटाश को खींचेंगे, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, थोरियम, गोल्ड तक ये इनमें है, ऐसे ऐसे माइक्रोब्स हैं। इन्हीं का प्रयोग पारंपरिक रूप से हम लोग करते रहे हैं। अगर हवन की सामग्री सही है आपकी तो हवन की भस्मी जो है उससे बढ़िया खाद कोई बना के दिखा दे, कोई भी साइंटिस्ट विश्व का, हवन की जो भस्मी है इससे बेहतर कोई खाद हो ही नहीं सकता, जिसमें नाइट्रोजन भी है, सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, सब कुछ है, हर तरह के मिनरल्स हैं, और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है, क्योंकि अगर पत्तों पे छिड़क दीजिए तो कीड़े नहीं आएंगे, वहां जड़ के आसपास उसको छिड़क के थोड़ा सा उसमें निकोनी कर दीजिए, खुरपा चला दीजिए, तो जड़ में भी कोई किसी तरह का आपको फंगस नहीं लगेगा।
प्रॉब्लम क्या होता है, फंगस का, पेस्टिसाइड्स का और कई तरह के बाहर के अटैक्स का, इन सबों को अगर ठीक करना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको प्राकृतिक विधि से खेती करनी पड़ेगी, जो करते रहे हैं, हम हजारों साल से करते रहे हैं। ये 50-70 साल में अंग्रेजों ने बिगाड़ा, इसको जानबूझ के बिगाड़ा, इसके लिए आज परेशान। आप सभी को अपने स्वास्थ्य में सुधार करना है तो चार चीजें छोड़नी होगी, चार चीजें, धान का चावल, गेहूं जो हमारा अन्न है भी नहीं, ये विदेशी अन्न है, धान का चावल इतना मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो धान है ही नहीं, चीनी, गुड़ नहीं कर रहा हूं, चीनी, और डेयरी का मिल्क। आपके शरीर में 5 लीटर खून होता है, 4 के हिसाब से 4.5 से 5.5 भी हो सकता है, उसका 1% यानी लगभग 5 ग्राम शुगर आपके ब्लड में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स करके जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है और आपके जिन बॉडी सेल्स को जरूरत होती है उसकी, वो नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाने की वजह से आपको चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए 5 ग्राम होना चाहिए, लेकिन 5 ग्राम का 6 ग्राम, 6 का 7, इतना फ्लक्चुएशन ठीक चल जाए, लेकिन 10 ग्राम हो जाए, 20 ग्राम हो जाए, 50 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम हो जाए तो क्या होगा? आज के दिन में जो हम चावल खा रहे हैं उसमें अगर आप एनालिसिस करेंगे उस ग्रेन का, तो 0.2% फाइबर है, लेकिन जिस तरह का पॉलिश चावल मिल रहा है जो हम खा रहे हैं उसमें 0% भी फाइबर नहीं है, ही नहीं। इसी तरह से गेहूं में 1.2% फाइबर है, लेकिन जो हम गेहूं खा रहे हैं या गेहूं का जो आटा खा रहे हैं और खास करके मैदा जो खा रहे हैं उसमें फाइबर तो है ही नहीं, ग्लूटेन है, और ग्लूटेन इज ए सच ए केमिकल जो कि बहुत ही डेंजरस केमिकल है आपके बॉडी के लिए। तो हम ऐसी चीज खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो उसके लिए जरूरी है कि हम जो पारंपरिक हमारे अनाज है, मोटे अनाज, वो हम खाएं। यदि आप कोदो खाते हैं, कुटकी खाते हैं, सांवा खाते हैं, हरा सांवा खाते हैं, कंगनी खाते हैं, ये सारे पॉजिटिव मिनरल्स खाते हैं, तो 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक ये धीरे धीरे ग्लूकोज आपके ब्लड में रिलीज करेंगे। सुबह दोपहर शाम आप चावल खा रहे हैं और 100 ग्राम चावल पे 35-35 ग्राम आपको ब्लड में फ्लड आ रहा है ग्लूकोज का, फ्लडिंग ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होगा? हार्ट जब पंप करेगा
तो ब्लड के साथ वो ग्लूकोज बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा, चला जाए। लेकिन जब रिवर्स पंपिंग करेगा, वापस खींचना चाहेगा, तो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अगर इतना डेंस ब्लड अगर खींच लेगा हार्ट में, तो इंस्टेंट हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो बॉडी का सिस्टम क्या करता है, उस डेंस ब्लड की डेंसिटी को कम करने के लिए आपके टोटल ब्लड वेसल्स में जहां तहां उसको मौका मिले, सुविधा मिले, वहां शुगर को चिपका देता है, रोक लेता है। और शुगर को रोकता है तो उसके साथ कार्बन को भी रोकता है, उसके साथ हर तरह के शरीर के कचरे को भी रोक लेता है। जितने तरह की बीमारी आप सोच सकते हैं, ये सब कुछ जो है इस कारण से होता है कि आपका शुगर इम्बैलेंस हो गया ब्लड में। और इसको ठीक करने का क्या उपाय है, ऐसे फाइबरस ग्रेन्स खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा हो कि वो आपके ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो बढ़ाए नहीं। माइक्रोब का कम होना दो तीन चीज़ों से है। पहला है मुख्य रूप से डायबिटिक, जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन हम ले रहे हैं, किसी चीज़ में एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक ठीक है, कुछ वायरस को मारता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस वायरस को मारने के लिए दिया जा रहा है, अगर वो ज़रूरी है तो दीजिए, लेकिन वो तो आपके गट के पूरे माइक्रोब्स को भी खा जाता है, मार देता है। तो इसलिए माइक्रोबियल इम्बैलेंस आपका वहाँ से स्टार्ट होता है। शुगर इम्बैलेंस को कम करने के लिए बस एक ही उपाय है कि हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें हम ज़्यादा फाइबर वाले ग्रेन्स खाएं, लेकिन कुकिंग मीडियम मस्ट बी ऑथेंटिक। अगर ये आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आने वाला भविष्य ठीक रहेगा। बच्चे बहुत अच्छे भविष्य की ओर देख रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, आपके प्रधानमंत्री बहुत इसके पीछे लगे हुए हैं। ये एक कारण है जो आपको बताना ज़रूरी था। अब दूसरा कारण बता रहा हूँ जो कि देश के लिए ज़रूरी है। देश के लिए ज़रूरी ये है कि देश साफ सुथरा हो, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ हो, पर्यावरण ठीक हो। इसका वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब हम प्रकृति की रक्षा करें। जितने मैंने मोटे अनाज की बात की और छोटे अनाज की बात की, इसमें एक किलो अन्न उत्पाद करने में 200 से 300 लीटर मात्र पानी व्यय होता है। और मोटे अनाज की खासियत क्या है, इसको पानी तो चाहिए नहीं, कम चाहिए। एक बारिश हो गई तो 200 लीटर पानी मिल जाता है, खाद भी नहीं चाहिए। गोबर वगैरह है तो डाल दीजिए, हवन की भस्मी है आप छिड़क दीजिए, बस वो काफ़ी है। कीटनाशक की भी जरूरत ना होती, कीड़े नहीं लगते इसमें। मजे की बात यह है मोटे अनाज में कीड़े नहीं लगते। अभी रायपुर में मैं गया था एक किसान के यहाँ देखने के लिए, उसके पास 50 साल पुराना कोदो पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। तो इसलिए
जहाँ पर्यावरण की रक्षा होती हो, जहाँ न पानी चाहिए, न खाद चाहिए, न कीटनाशक चाहिए, ऐसा उपाय हम क्यों ढूंढे। इसलिए वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मोटे अनाज, छोटे अनाज और चावल, गेहूं, चीनी और डेयरी के मिल्क रहित जीवन पद्धति अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभा हमारी पुलकित हुई आपके चरणों के रस से, हुए हम सभी भाग्यशाली आपके मार्गदर्शन के बल से। परम आदरणीय आरके सिन्हा जी को मेरे जैसे भारत के करोड़ों युवा विद्यार्थी उनको हृदय से नमन करते हैं। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय गणतंत्र में आपका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। जैसा हमारी गुरु माता रमा मैम ने कहा कि शायद हमारी पीढ़ी उतनी भाग्यशाली नहीं शुद्ध संसाधनों के मामले में जितनी पहले की पीढ़ियां रही हैं, परंतु मार्गदर्शन की जब बात आती है तो शायद मैम का मार्गदर्शन मिलना, हमें हमारे गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलना और महात्मा हंसराज महाविद्यालय के माध्यम से इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हमारे मुख्य अतिथियों का मार्गदर्शन प्रत्यक्ष रूप से मिलना, हमें यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब चूंकि सत्र जो समापन की ओर जा रहा है, तो मैं अपने अतिथिगण जिन्होंने अपनी उपस्थिति से आदर्श और प्रेरणा हमें प्रदान की, उनकी शिक्षा और अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा और ये समय हमारे लिए बहुत अनमोल रहा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस सत्र का और समारोह की योजना और आयोजन में शामिल सभी लोग, मेरे गुरुजन हमारी प्राचार्य रमा मैम का मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सभी के योगदान ने इस समारोह को सफल बनाया है। आखिर में मैं सभी अतिथिगण, प्रबंधन समिति और सत्र संचालन के सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस समारोह को संचालित करने और इसे अपनी इतनी अद्वितीय बनाने में अपना सबसे बेहतरीन योगदान दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।